अच्छा, क्योंकि जो बाइट्स मैं इसमें बनाने मैंने रखे हैं उसके साथ में सैलेड को सर्व कर रही हूँ, तो आप ले लीजिए अपनी मर्जी की। मैंने इसमें लेटस लीव्स ली हुई हैं। लेटस को ज़्यादातर कोशिश मेरी ये होती है, हार्डली कभी ऐसा होता होगा कि मैं लेटस को चॉप करती हूँ, अदरवाइज आई ऑलवेज प्रिफर कि आप इसको हाथ से तोड़ें, क्योंकि नाइफ लगते ही लेटस का कलर वहाँ से चेंज हो जाता है। तो इसमें क्यूकम्बर है, टोमेटो है, स्प्रिंग अनियन है और कुछ मिंट लीव्स हैं एंड लेटस, जो हमारा रेगुलर लेटस है बस वो है। और इसमें बहुत थोड़ा सा, अच्छा एक चीज़ और डालूंगी, मेरे पास ये जो छोटी छोटी सी अनियंस होती हैं, एक्चुअली कॉकटेल अनियंस कहलाती हैं, ये पिकल्ड हैं थोड़ी सी, ये वाली अनियंस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, ये इसमें विनीगर वगैरह है तो थोड़ी चिलीज भी हैं, तो ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये बाज़ार से आपको तैयार मिल जाएगा, कभी मौका हुआ तो बनाना सिखा दूँगी। ये सारी चीज़ें डाली हैं। अच्छा, बोल बहुत छोटा है, सलाद मारेंगे, मेरे को काम करना है, क्योंकि स्पेस नहीं है उसमें, कुकिंग कुछ नहीं है, मिक्सिंग 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 के लिए मुझको चाहिए होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में और इसमें मैं टॉस कर नहीं पाऊंगी इसे। सॉल्ट ऐड करूंगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें सिर्फ आप ऐड करेंगे जबकि आप सर्व कर रहे होंगे, अदरवाइज काट के आप रख सकते हैं, और इसको जब आप काट के रखेंगे तो कवर करके रखिएगा, अदरवाइज ये है कि फिर विटामिन्स जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। अगर आपने सब्जियों को काट के खुला छोड़ दिया, सब्जियों को फलों को, तो फिर ये है कि ये वेस्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको अप एंड डाउन, और यहाँ पर सैलेड तैयार हो गया, मैंने उसकी प्लेटिंग कर दी है। सागुदाने की बात होगी अभी, मैं केले काटने में लग गई थी। अच्छा जी, मैं पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को कि उसको मैंने जो कवर करके रखा था, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, देखें। अच्छा, नीचे अगर सेटल हो जाए तो उसको ज़रा सा आप शेक कर लें। अच्छा, अब मैं इसको मैं निकालूंगी, ठीक है ना। इसके लिए मुझे सिंक पे जाना है, क्योंकि मुझे इसको सारे को ड्रेन करना है, इतना सारा पानी है, सागुदाना है इसमें, तो इसको मैं ड्रेन करें छोटी सी छलनी में, छलनी छोटी ही रखें। देखिए कितना सारा स्टार्च है, कोई कोई है जिसमें कि वाइटनेस है ज़रा, बाकी में नहीं है। अच्छा, इसको मैं अब वॉश करूंगी इसे, ठीक है। अच्छी तरह से इसका स्टार्च जितना भी है वो निकाल दिया जाएगा। अच्छा से वॉश कर लें इसको, अच्छा से वॉश करने से मतलब ये है कि देर तक पानी ज़रा बहा दें कि इसमें से स्टार्च बिल्कुल से निकल जाए। देखिए पूरी तरह से, चलें जी। अभी क्योंकि चीज़ों का इस्तेमाल होना है तो इस वजह से मैं ये बर्तन ले आई हूँ। अच्छा, सागुदाना जो है उसको अच्छा सा ड्रेन करेंगे, और ड्रेन करने के लिए छलनी जो है वो लगा दीजिए नीचे, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि ये छलनी जो है, इसको भी रख दूँ मैं। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल पर्ल की तरह से हो गए हैं, जैसे पर्ल होते हैं छोटे छोटे से। एक्चुअली मैं पर्ल जैसा भी नहीं कह सकती इसको, कैवियार जिन लोगों ने देखा है और उनको अंदाज़ा होगा कि कैवियार कैसा होता है। देखिए मैं इसको ऐसे रख के दिखाऊंगी जैसे कैवियार को दिखाते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है, आप मेरे हाथ पर इसको देख लीजिए और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है जी। अब सागुदाना किस तरह से सर्व करना है उसके लिए ये तैयार है, जैसे दिल चाहे आप इसे सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं केले डालूंगी इसमें, इसके अलावा मैं कैन के फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं सागुदाना सर्व करने जा रही हूँ किस तरह से, केले डालूंगी और फ्रूट कॉकटेल डाल रही हूँ, लेकिन आपकी मर्जी है, आप इसमें अपनी पसंद के फलों को डाल सकते हैं। फल वही डालें जो कि इसके साथ अच्छे जाते हों, जैसे मैं सॉफ्ट फ्रूट डाल रही हूँ, बेरीज वगैरह हैं वो भी आप डाल सकते हैं, खट्टे फल नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें दूध का इस्तेमाल हो रहा है। दूध के साथ कभी भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको नहीं दिया जाता क्योंकि दूध के फट जाने का डर होता है, तो इस वजह से खट्टे फल इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। एप्पल डाल सकते हैं आप, सॉफ्ट फ्रूट जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी, ये हुआ, मैं किस तरह से इसकी सर्विंग आपको बता रही हूँ। इसके अलावा फ्रूट कॉकटेल है,
और ओहो इसमें चाहें तो इसका सिरप डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं, और आई थिंक मैं थोड़ी शुगर भी डाल दूं तो आपको ये पता चल जाए कि इसमें आप शुगर डाल सकते हैं। उसका जो सिरप है उससे ये इतना मीठा नहीं होगा, क्योंकि वो मिल्क डालेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, और जब डाइल्यूट होगा तो फिर मिठास नहीं रहेगी। तो ये शुगर डाल दी मैंने इसमें, हसबे जायका, ठीक है। अच्छा, इसमें डाल दी मैंने शुगर और फ्रूट डाल रही हूँ, सिरप नहीं डाल रही हूँ। फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल दीजिए जितने आप पसंद करते हो, और बस आई थिंक ये बहुत काफ़ी है। अच्छा, अब इसमें मैं डालूंगी, ये अभी मैं एक और तरह से बता दूंगी अगर टाइम है तो। मिल्क आ गया, ये आप सभी को दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी आइस, आइस आइस, इसको बहुत ठंडा सर्व करना है तो आप आइस डालेंगे इसमें, शुगर मिक्स कर लीजिएगा। मैं अगर शुगर मिक्स करने लगूंगी तो बस ठीक है भाई, ये हुआ। अच्छा, अब इस पे डालेंगे साबूदाना, अभी जो बॉयल का था वो भी डाल सकते हैं आप, बस एक चमचे के बराबर इस पे आप डाल दें, ये ढेर सारा हो जाएगा इसमें जाने के बाद, और ये सभी के लिए बहुत अच्छा एज ए डेजर्ट मैं दे रही हूँ, ठीक है। आप इसको एज ए डेजर्ट सर्व कीजिए। देखिए फैल गया एकदम से, जाके दूध में जाके ये फैल गया है, देखिए किस तरह से। और यहाँ पर चीजी वेजिटेबल बाइट्स हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे तैयार, और इनको मैंने अभी एक सेकंड पहले ही निकाला है और मैं इनको अब काट रही हूँ, और इनके मैंने पीसेस बनाने हैं। अल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत ही आला बेक हुआ है, उफ, बहुत ही क्रिस्पी सा। इनको मैं स्टीम देखे कैसे निकल रही, वेरी वेरी हॉट, मेरे को तो भाई टिश्यू लगा, नहीं टूट रहा है भाई, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। ओहो हो, वेरी नाइस, नहीं भाई टिश्यू से मुझे पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को कल भी प्रोग्राम करने का, मेरा हाथ जलेगा तो मैं छुट्टी करेगा। जिन लोगों को मिल्क एलर्जी है, दूध के साथ ना लेना चाहें तो सागुदाना कैसे लेंगे? यहाँ पर एक बंदा लेगा, कैसे लेगा वो, ऐसे लेगा। इसमें सिर्फ फ्रूट है, फ्रूट का सिरप है, आइस है इसमें, और सागुदाना, ठीक है। डाल दें, ज़्यादा भी डाल दें, कोई हर्ज नहीं है। ये लें जी, आ गया है सागुदाना। चले जी, आ गया रेसिपी कार्ड, रेसिपी कार्ड आ चुका है। भाई लोगों ने कहा कि रेसिपी कार्ड आ चुका है चीजी वेजिटेबल बाइट्स बनाने के लिए, क्या चीजें आपको चाहिए उसे झटपट लिखेंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा डो बनाने के लिए, प्लेन फ्लावर चाहिए 2 प्याली, बेकिंग पाउडर 3 चाय के चमचे हैं, नमक 2 से 3 पिंचेस हैं, अंडा है 1 अदद, मक्खन है 2 से 3 टेबल स्पून। इसकी फिलिंग में मैंने डाला है चेदर चीज है 1 प्याली, मिक्स वेजिटेबल्स हैं 1 से 1.5 कप, नमक 2 से 3 पिंचेस, आप टेस्ट कर लीजिएगा। और ब्लैक पेपर मैंने नहीं डाली है, मैंने चिली सॉस डाला है, ये भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, अब बारी है सागो एंड मिक्स फ्रूट इन मिल्क बनाने के लिए। सागो आपको चाहिए होगा यानी सागो दाना 3 टेबलस्पून चाहिए, चीनी मैंने लिख दी है लेकिन आप हसबे जायका इस्तेमाल करेंगे, शहद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध आपको 2 प्याली चाहिए, मिक्स फ्रूट है हसबे जरूरत, और बर्फ भी इसमें है हसबे जरूरत। उफ, बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा मजेदार है, छुट्टी का टाइम आ रहा है, दिल देख बहुत खुश हुआ होगा ये सब देखने के बाद, आप सब लोगों का दिल बहुत खुश हुआ होगा। आपकी शाम प्लेजेंट कर देती हूँ लेकिन अब आपका दिन भी प्लेजेंट करने के लिए बहुत जल्दी आ रही हूँ। तो चले आपसे मिलेंगे कल, अगर डीप फ्रीजर ने की वफा तो मिलेगी आइसक्रीम, वरना देखें क्या मिलने वाला है। तो आपसे मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज।